जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक, इसका नाम है वन प्लस बुलेट वायरलेस जेड और आप देखना शुरू कर चुके हैं AR अनबॉक्स। आज इस वीडियो में मैं आपको इस वायरलेस ब्लूटूथ हेडसेट का करने वाला हूं एक डेप्थ रिव्यू। मैं आपको बताऊंगा इसकी बिल्ड क्वालिटी, बैटरी बैकअप, चार्जिंग टाइम, कनेक्टिविटी रेंज और सबसे मेन चीज साउंड क्वालिटी कैसी है और क्या आपने इसको परचेज करना चाहिए या नहीं। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग यूजफुल है, आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को आरंभ करते हैं। गाइज, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने बहुत सारे वायरलेस ईयरफोन्स के बारे में वीडियो बना रखी है, बहुत सारों का कंपैरिजन किया है, डेप्थ रिव्यू किया हुआ है, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको वायरलेस ब्लूटूथ हेडसेट परचेज करना है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उन भी वीडियो को कंसिडर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने इतने सारे ईयरफोन्स को यूज किया है, बहुत के बारे में डेप्थ रिव्यू भी किया हुआ है, कंपैरिजन भी किया हुआ है, बट इसकी जो बिल्ड क्वालिटी मुझे लगी, अभी तक मैंने जितने भी ईयरफोन्स यूज किए हैं किसी में ऐसी बिल्ड क्वालिटी नहीं है। आपको जैसे वन प्लस के सभी प्रोडक्ट्स में क्वालिटी मिलती है, सेम टू सेम आपको इस वायरलेस हेडसेट में भी मिल जाएगी। अगर हम बात करते हैं दोस्तों नेक बैंड की, यहाँ पे सिलिकॉन मटेरियल यूज किया गया जो कि बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट, बहुत ही ज्यादा प्रीमियम फील होता है। उसके साथ ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, अगर आप इसको अपने गले में पहनते हैं ना तो 5 मिनट बाद ही आप भूल जाएंगे कि आपने पहना हुआ है। कंट्रोल सेंटर की बात करें, यहाँ पे मेटल यूज किया गया है बट आपको एक मैट टेक्सचर मिल जाता है, मैट फिनिश मिल जाता है। साथ ही में यहाँ पे आपको मिल जाती है वन प्लस की ब्रांडिंग, चार्जिंग के लिए टाइप सी पोर्ट और एक पावर बटन जो कि बहुत ही ज्यादा क्लिकी है। वायर क्वालिटी की बात करें, वायर थोड़ा सा पतला है बट इसकी जो क्वालिटी है बहुत ही कमाल की है। साथ ही यहाँ पे आपको वायर के प्रोटेक्शन मिल जाते हैं। बाकी एक मेन कंट्रोल सेंटर आपको यहाँ पे मिलता है जिसमें आपको मिलती है वॉल्यूम प्लस माइनस बटन, साथ ही आपको एक बटन मिलती है जो कि डेडिकेटेड गूगल असिस्टेंट के लिए, और साथ ही साथ इसको प्रेस करके आप कॉल को रिसीव कर सकते हो, कट कर सकते हो और सॉन्ग को भी प्ले पॉज भी कर सकते हो। बाकी सेम वायर आगे कंटिन्यू होता है। अगर अब हम बात करें ईयर ड्रम्स की, इनकी तो क्वालिटी यार बहुत ही ज्यादा बेहतरीन लाजवाब है। ये भी मेटल के बने हुए हैं, एलॉय मेटल यूज किया गया है। बट सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके मैग्नेट की, अगर आप इनको पास ले जाते हैं ना तो आपको थोड़ा सा वो फोर्स फील होगा, ये आपस में चिपक जाते हैं काफी जल्दी और ये बहुत ही ज्यादा आपको सॉलिड फील होते हैं। और सबसे मेन चीज दोस्तों इसके ईयर टिप्स की बात करें, सिलिकॉन मटेरियल यूज किया गया है बट बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, थोड़ी देर पहनने के बाद ही आप बिल्कुल भूल जाएंगे कि आपने अपने कानों में कुछ पहना। अगर हम बात करें बिल्ड क्वालिटी की, बहुत ही प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी है इस वन प्लस वायरलेस जेड ईयरफोन की। अब हम बात करते हैं बैटरी बैकअप और चार्जिंग टाइम की। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये क्विक चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, आपको चार्जिंग के लिए टाइप सी पोर्ट भी मिल जाता है। यहाँ पे वन प्लस क्लेम करता है कि इसको फुल चार्ज करने के बाद आपको अप्रॉक्स 20 घंटे का बैटरी लाइफ मिलेगा, बट मैं आपको अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो करीब करीब आपको 15 से 18 घंटे के बीच 70% वॉल्यूम में आपको बैटरी बैकअप मिल जाता है। चार्जिंग अगर आप नॉर्मल 10 वाट के चार्जर से करते हो तो अप्रॉक्स आपको 50 से 55 मिनट चार्जिंग में लग जाते हैं। कनेक्टिविटी और कनेक्टिंग रेंज दोनों ही बहुत ही कमाल की है। लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.0 को सपोर्ट करता है, साथ ही क्विक कनेक्ट और पेयर को भी सपोर्ट करता है। साथ ही इसमें आपको डुअल पेयरिंग का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आपके किसी भी ईयरफोन में आपको डुअल पेयरिंग का ऑप्शन मिलता है, डुअल पेयरिंग के फीचर को कैसे यूज करना है, मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, ऊपर आपको आई बटन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्लिक करके देख सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कनेक्टिविटी की, बहुत ही इंस्टेंट ये कनेक्ट हो जाता है। इसमें आपको एक और ऑप्शन मिलता है जो कि आपको रियलमी बड्स में भी मिलता है, जैसे आप इसको डिस्कनेक्ट करेंगे दोनों ईयर ड्रम्स को ये अपने आप कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे आप इनको कनेक्ट करते हैं आपकी स्मार्टफोन से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, आपको पावर ऑन ऑफ करने की भी जरूरत नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको बता दूं अगर कनेक्टिविटी रेंज की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको अप्रॉक्स 10 मीटर के करीब इसकी रेंज मिल जाएगी, जिसको हम मान सकते हैं 12 से 15 फीट के करीब। लेकिन दोस्तों इतने डिस्टेंस में आपको बहुत ही कमाल की कनेक्टिविटी मिलती है, साउंड में कोई भी लैग देखने को नहीं मिलेगा और एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे आप बहुत ही इजीली और इंस्टेंट स्विच भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको इंस्टेंट स्विच का जो ऑप्शन मिलता है। दोस्तों इसमें आपको IP रेटिंग भी मिल जाती है, IPX55 सर्टिफाइड है, जिसकी वजह से ये स्वेट प्रूफ और वाटर रेजिस्टेंस हो जाता है। हाँ एक चीज ध्यान रखना, ये वाटर प्रूफ नहीं है, मतलब पूरे पानी में अगर आप इसको डुबो के रखेंगे बिल्कुल एक थोड़ी देर में खराब हो जाएगा, बट पानी का छीटा वगैरह जाता है, पसीना वगैरह जाता है खेलते टाइम पे, कोई भी इशू नहीं होने वाला, ये इजिली सर्वाइव कर जाएगा। साउंड क्वालिटी जो कि सबसे मेन चीज है, इसमें आपको मिलता है 9.5 mm का एक डीप बेस ड्राइवर, जिसकी वजह से बहुत ही अमेजिंग साउंड क्वालिटी मिल जाती है। साउंड क्वालिटी से पहले हम बात करते हैं दोस्तों कॉलिंग क्वालिटी की। मैंने इसको आउटडोर में भी यूज किया, बहुत ज्यादा नॉइजी प्लेस में भी अगर आप इसको यूज करते हैं डेफिनेटली आप इसको इंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि आप अगर कॉल पे बात कर रहे हैं नॉइजी प्लेस में है, सामने वाले को बंदे को पता ही नहीं चलेगा कि आप कॉल पे हैं, क्योंकि बहुत सारी जो बैकग्राउंड की नॉइज है ये इजिली उसको कैंसिल कर देता है। साउंड क्वालिटी की बात करें दोस्तों, साउंड क्वालिटी काफी
अच्छी है, बट मैंने यहाँ पे आपको बता दूं कि मैंने बोट रॉकर 335 भी यूज किया हुआ है, मुझे वो थोड़ा सा ज्यादा पसंद आया। क्यों? क्योंकि उसमें आपको ज्यादा बेस मिल जाता है। बट अभी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसका जो बेस है काफी अच्छा है, ट्रेबल्स, वोकल्स, इंस्ट्रूमेंटल क्लियरेंस, बैकग्राउंड में जो साउंड प्ले हो रहे हैं और वो जो साउंड की क्लियरिटी है, और सबसे मेन चीज अगर आप इसको हाई वॉल्यूम पे भी सुनते हो आपको कोई भी इशू नहीं होने वाला है। आपके कानों में बिल्कुल जो पेन होता है बहुत टाइम यूज करने के बाद आपको फील भी नहीं होगा कि आप इतने हाई वॉल्यूम पे इस ईयरफोन के साथ कोई सॉन्ग सुन रहे थे। बट अगर कंपेयर कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए हम इसको बोट रॉकर 335 से, तो मेरी जो चॉइस है कि उसमें थोड़ा आपको ज्यादा बेस मिल जाता है, ज्यादा लाउड है, इसलिए मुझे वो पसंद आया। बट आपको इसमें बहुत ज्यादा एकदम हाई बेस नहीं मिलता, क्योंकि इसका एक और आता है जो कि है बेस एडिशन, उसमें आपको लाउड बेस मिलता है। लेकिन इसमें आपको जो साउंड क्वालिटी मिलती है ना बहुत ज्यादा बैलेंस है, बेस भी बैलेंस है, बाकी जितने आपको मैंने आपको जितनी भी चीजें बताई बिल्कुल आपको बैलेंस क्राइटेरिया में मिल जाती है। ओवरऑल हम कहें तो वो भी बहुत ही कमाल की है। प्राइस की बात करें तो दोस्तों इसकी प्राइस है 1999 रुपए। ये आपको फ्लिपकार्ट, एमेजॉन और वन प्लस की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में अभी मैंने लिंक दे रखी है, क्लिक करके परचेज कर सकते हैं। अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं तो आपके मन में एक सवाल जरूर होगा, क्या आपने इसको परचेज करना चाहिए या नहीं। मैं आपको बता दूं इसकी बिल्ड क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, बैटरी बैकअप, कनेक्टिविटी काफी अच्छी है, कोई भी इशू नहीं है, और साथ ही साथ वन प्लस जैसा ट्रस्टेड ब्रांड। बट अगर आपको हाई बेस पसंद है तो इसका एक और वेरियंट आता है जो की है बेस एडिशन, आप उसको बाई कर लीजिए। अगर आपको बहुत ज्यादा बेस नहीं चाहिए देन आप डेफिनेटली इसको बाई करिए, लेकिन आपको थोड़ा भी ज्यादा बेस पसंद है आप एक बार उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो पर कमेंट करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करिएगा। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम जब भी नई वीडियो डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।